चलिए चलिए हो गया आपकी जी। चलिए आप लोगों को सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। अच्छा पूजन का स्पीच हमने करवाने कहा था वो देख लीजिए तो पूजन का। हाँ हाँ अच्छा पूजन का स्पीच वो लड़का आया शिव पूजन आया कहाँ गया कहाँ गया आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आओ आओ। अच्छा क्या कर रहे अच्छा अच्छा आइए आइए आओ आ जाओ चलो आ जाओ आ जाओ बेटा आ जाओ आ जाओ। चलो शुरू करो वीडियो बन रहा है चलो तुम मेरी एक्टिंग शुरू करो। चलो कोई दिक्कत नहीं कोई बात नहीं आपसे हम नहीं करते कुछ भी फिजिक्स का भी जानते नहीं लोग रात फिजिक्स में नहीं जानते कुछ भी फिजिक्स में बोल रहा हूँ क्या है ये भी चलेगा पहले कमेंट्री वाले सबसे शुरू करते हैं।
शांत हो जाओ बच्चों। उसको लगा दो। तो शांत हो जाओ बच्चों। बेटा ये बताओ तुमको कौन कौन सा रिएक्शन आता है बताओ। अच्छा देखो बेटा मैंने तुमको जो है हेलोलकेन और हेरोइन पढ़ा चुका है ना, पढ़ा चुका है। तो बेटा ये बताओ, बेटा ये बताओ ना तुमको मैकिन आता है ना तो जीओसी आता है, बताओ कैसे काम चलेगा है? और रिएक्शन आने से पहले कम से कम मैकेनिक तो आना चाहिए, बिना मैकेनिक तो कैसे काम चलेगा। और इसमें से जो है हेलोलकेन और हेरोइन की जितने भी प्रिपरेशन करवा चुके हैं उनको कल पूरा करके लाना है। और आज का जो रिएक्शन समाप्त होता है यहीं पर। सर जी मैं मेकरी अब यह कल ले लिया सर जी नहीं कह पाए। सर जी जो मुझे आता है वो कर सकते हैं। इसको ले लिया जो परम सम्मानीय सर जी मैं राष्ट्र निर्माण और राष्ट्र निर्माण और नए साल के उपलक्ष्य पर आप सभी के साथ कुछ बातें साझा करना चाहता हूँ। आज़ादी, आज़ादी का असली मतलब वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी की हो। और हम लोग भाग्यशाली है कि हमने स्वतंत्र भारत में जन्म लिया। ये तो आज़ादी की लौ 1857 में चल चुकी थी जो वर्षाल बनकर 1947 में हमारे देश को आज़ाद कराई। प्राचीन मध्यकालीन और वर्तमान भारत की तीन उदाहरण से मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि जब हम फिरंगियों के फेरे में फंस गए थे तो रंग दे बसंती की एक टोलों की आवाज़ पर अंग्रेजों के टोलों के टोले उमड़ आते थे और उनके बंदे मातरम किनारों से खून में आने वाला पांच पांच डेरी का तूफान अंग्रेजी शासकों के जड़ों में तूफान ला देता था। लोग मर जाते थे, मिट जाते थे, तो वो भी अपनी देशभक्ति को साबित कर रहे होते थे क्योंकि यह उस समय उस देशभक्ति की कसौटी थी। इसके बाद 1962, 1965 और 1971 के युद्धों में अपना सुहाग गवा देने वाली वह औरत जब घरों के हालात ये हो जाया करते थे कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, अरे नन्हे नौनिहालों की लंगोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों की तो चोटियां ही चली गई, अरे बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई, और ऐसा एक विस्फोट हुआ कि पता ही नहीं चला कि जिसकी कई बोटियां ही चली गई और आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब किंतु मेरे घर की तो रोटियां ही चली गई वाले हालात पैदा हो जाने के बावजूद एक माँ अपने बेटे को दुश्मनों की धज्जियां उड़ाने के लिए सरहद पर भेज देती थी और उन्हें पत्र लिखा कर ये भेजा करती थी कि अम्मा ने पत्र लिखा है बड़े ही ताव से, पुत्र मेरे न घबराना, एक इंच भी पीछे न हटना, चाहे इंच इंच कट जाना। तो इस तरह से एक देशभक्त अपनी देशभक्ति को साबित कर रहा होता था क्योंकि तब देश बलिदान मांगता था, तब देश लड़ जाने को कहता था, मर जाने, मिट जाने और फांसी चढ़ जाने को कहता था। किंतु आज आज देश मर जाने को नहीं कहता, आज देश लड़ जाने, मिट जाने और फांसी चढ़ जाने को नहीं कहता, बल्कि मेरी विचारों से यदि कोई व्यक्ति अपने काम पूरी ईमानदारी, पूरी मेहनत और पूरी लगन से करे ना तो वही सबसे बड़ा देशभक्त है। मैं नहीं मानता कि व्हाट्सएप और फेसबुक को डीपी को तीन रंग में रंगना ही देशभक्ति है। यदि आप लोग कहेंगे कि साल में दो बार हाथ में तिरंगा ले लेना देशभक्ति है तो मैं पूछना चाहूंगा कि सड़क पर रहने वाला बच्चा जब ट्रैफिक की चाव में नंगे पांव में तिरंगा बेच रहा होता है तो क्या आप उससे उसकी देशभक्ति कहते हैं? नहीं, यह उसकी देशभक्ति नहीं है, उसके भूख और प्यास की शक्ति है जो उसे ऐसा करने पर मजबूर करती है क्योंकि वो न मस्जिद को जानते हैं न शिवालों को जानते हैं और जो पेट के भूखे होते हैं ना उसे भोजन के निवालों को जानते हैं। और असल मायने में हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब एक गरीब बच्चा केवल मध्याह्न भोजन के नहीं बल्कि ज्ञान अर्जन शिक्षा के लिए सरकारी स्कूल के चौखट पर कदम रखेगा।
हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब इस देश में महिलाओं की पूजा नहीं उनकी इज्जत की जाएगी। हमारा राष्ट्र निर्माण तब तक संभव नहीं होगा जब तक एक नागरिक नैतिक रूप से सतीन, चैतिक रूप से भ्रष्ट, मानसिक रूप से दिवाले और धार्मिक रूप से अंधा, राजनीतिक रूप से गंदा, स्वच्छ मूल्यांकनों में चिन्ह चिन्ह पंथ में अखंड भारत को खंड खंड करता रहेगा। तब तक हमारा राष्ट्र निर्माण संभव नहीं होगा। बड़ी बड़ी बातें नहीं, छोटी छोटी कोशिशें करनी होती है, क्योंकि ठोकर में पहाड़ों से नहीं पत्थरों से लगे करती हैं। और इसके बाद में ये कहना चाहूँगा कि यात्रा विदेश की देश त्राही त्राही है, स्वदेश में उपदेश का कमाल मत कीजिए। यात्रा विदेश की देश त्राही त्राही है, स्वदेश में उपदेश का कमाल मत कीजिए। और शांति कोष मिली नहीं दोस्ती और जनता को कोष में एकता हलाल मत कीजिए। शांति कोष मिली नहीं दोस्ती या जनता को कोष में एकता हलाल मत कीजिए। और आजाद का जो रक्त है, आजाद का जो रक्त है वो भी देशभक्त है, किसी भी देश भक्तों पर सवाल मत कीजिए। और राजनीति दलदल है, डूबिए पल पल पर, अरे शहीदों के नाम का इस्तेमाल मत कीजिए। और इसके बाद में एक बार और कहना चाहूँगा कि जब मीठी बातें दरबारों से दर से वापस आई हैं, भूखी चीखी संसदों और घर से वापस आई हैं, जब झोपड़े पट्टी की जरूरी राजमहल की घोड़ी है, मजबूरी ने नन्ही बेटी कूड़ेदान में छोड़ी है, जब अदालतों के चक्कर काटे घिसते बूढ़ी लाठी है, दफ्तर और पेंचरों में हिस्सेदारी काटी है, अरे तब जाके जुबा को हमने धारदार बनाया है और शब्दों को चिंगारी से अंगार बनाया है, अरे गरीबों के दामन का बिखरा टूटा ख्वाब लिखा है और बागी कलम की नोक से हमने इंकलाब लिखा है। जय हिंद। एक मनोरंजन पाठ है सर जी, मनोरंजन के लिए फिलहाल एक मनोरंजन हो जाए उसके बाद अवधि कॉमेडी है। अवधि सुनो भाई पुकार के हाल, सुनो भाई पुकार के हाल, जोन मनई मनई बनिगा है काल, सुनो भाई पुकार के हाल, जो मने मने बन गया है काल, और हर गोमती में लटक रहे हैं इंटर के लड़के भटक रहे हैं, हर गोमती में लटक रहे हैं इंटर के लड़के भटक रहे हैं। और यह है कमला पसंद के हाल की चिपक के गबड़ा चिपक गए गाल, यह है श्याम बहार के हाल की सिगुड़ गज गबड़ा चिपक गए गाल, और इतना चपत है पान मसाला मुहेगा जस गंदा नाला, इतना चपत है पान मसाला मुहेगा जस गंदा नाला, और बोलत मुँह से निकलत बात घर कटारिन सत्यानाश। भैया मसाला खाओ चाहे पान चाहो, लेकिन जो कहानी सुन के जाओ, तमाम मसाला दुकान पर टंगे हैं, तमाम मसाला दुकान पर टंगे हैं, खाए खाए के दूसरे दीवालों रंगे हैं, और दूसरे द्वारा यक्षत यार जहाँ दूसरे द्वारा यक्षत यार रोजे गारी खात हजार, और जहाँ देखो तहाँ लेटरिन करे हैं, खाए मसाला यहाँ करे हैं। भाई अपनी जगह पर थूक्यो भाई, नहीं तो रोजे हो ही लड़ाई, अपनी जगह पर थूक्यो भाई, नहीं तो रोजे हो ही लड़ाई, मनाई नहीं सनीचा रहो, मनाई नहीं सनीचर हो, पैसा हो तो दूध दही खाओ, कत्था चूना सरी डली, कत्था चूना सरी डली, उसमें कटी छिपकली मिली, और यह तुमका यह तार नाश्ता भाई, यह तुमका शमशान पहुंचाई, मुँह डोलत नहीं शुद्ध पलस खाए हैं, मुँह डोलत नहीं शुद्ध पलस खाए हैं, दहियों दम ने गिल्ली घस मुबाए हैं, और हमारे मुँह डोलत नहीं शुद्ध पलस खाए हैं, और दहियों दम नए गिल्ली घस मुबाए हैं, और हमारे सुनंद ने अपने गाए हैं, और श्याम बार खाओ यह रन लगाए हैं, यह मसाला मसाला खाओ चाहे दोहरा फाँको, मसाला खाओ चाहे दोहरा फाँको, मुला एक बार जाए कि अस्पताल में झाको, तमाम कैंसर वाले बेड पर पड़े हैं, और तमाम लाख गाड़ी वाले इंतजार में खड़े हैं, और कसर न रखो चाप के खाओ, एक रुपये पर्चा बनवाओ भर्ती हो जाओ, कसर न रखो चाप के खाओ, एक रुपये पर्चा बनवाओ भर्ती हो जाओ, और जब ससुराल के रिश्तेदार तुम्हें देख ही जाइए पर पैसा ना लगे मुला मसाला जरूर खोई है। तो भैया यह मसाला रहा है आबाद मेडिकल कॉलेज जिंदाबाद, जय हिंद जय भारत। सर जी जो बॉर्डर फिल्म में जो एक लोग का किरदार था जो है तो उस फिल्म में सर बॉर्डर फिल्म में से जो एक लोग जो छुट्टी मिलती है उनकी जो औरत की तबीयत खराब होती है तो वो लोग बहुत जब छुट्टी मिल जाती है उनको तो वो बहुत खुश होते हैं, तो सबसे जो बताते हैं कि हम घर जा रहे हैं किसी को चिट्ठी लिखना है या नहीं सबसे तो उस उधर जंग छिड़ रही थी उसका जो टेंशन था तो इसी बात पर जो है सनी देओल कहते हैं मथुरा दास जी आप खुश हैं कि आप घर जा रहे हैं,
मगर ये खुशी का बेहुना नाच जो आप अपने भाइयों के सामने कर रहे हैं अच्छा नहीं लगता। आपकी छुट्टी मंजूर हो गई है क्योंकि आपके घर में प्रॉब्लम है। दुनिया में किसे प्रॉब्लम नहीं, जिंदगी का दूसरा नाम प्रॉब्लम है। बताओ अपने भाइयों में से कोई ऐसा भी है कि जिसकी विधवा माँ आंखों से देख नहीं सकती और उसका इकलौटा बेटा रेगिस्तान की धूल में खो गया है। किसी का बूढ़ा बाप मौत की आखिरी घड़ियां गिनना है और हर रोज मौत को एक अगर टाल देता है कि मेरे पिता को मेरी चिता को आग देने वाला तो उस दूर बॉर्डर पर बैठा है। अगर इन सब ने छुट्टी ले ली तो यह जंग कैसे जीती जाएगी? बताओ तेनों जंग कैसे जीतेगा पा? मथुरा दास, इससे पहले कि मैं तुम्हें गद्दार करार देकर गोली मार दूं, भाग जा यहां से। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। देखो आ जाओ आ जाओ आ जाओ। कौन बोलेगा? आ जाओ। ये वैसे सेशन नीट पे क्रैक करने के बाद होना चाहिए था लेकिन अभी भी जरूरी है क्योंकि इसकी भी जरूरत पड़ेगी, हर जगह हर लाइफ में जरूरत पड़ेगी। आ जाओ, कौन बोलेगा? आ जाओ आ जाओ आओ आओ सहबान आओ आकांक्षा क्यों पढ़ा? तुम तो सुना बहुत बोलती है ना? आ जाओ आ जाओ आ जाओ, कुछ सुना दो, शायरी वारी सुना दो, कोई जोक सुना दो। जोक तो सुना सकते हैं सब लोग, छोटा छोटा जोक। आ जाओ आ जाओ, जोक से शुरू करते हैं। आकांक्षा जोक तो आता होगा छोटा मोटा, व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स तो आते हैं ना? कोई ऐसा व्हाट्सएप फॉरवर्ड जो हमें फॉरवर्ड ना हुआ हो? आ जाओ आ जाओ आइए आइए आओ भाई आओ साहबान आओ आ जाओ आ जाओ। है इशारे में कुछ है? ठीक है लिखा बोल दो। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अरे आओ चलो है मोटिवेशनल है थोड़ा सा, अपने लोग के लिए लिखे हैं थे थोड़ा सा। हौसले अगर बुलंद है तो मंजिल को अपने पाएंगे, लाख मुसीबत आने पर भी हम यूं ही नहीं घबराएंगे। लड़ने की क्षमता हम में है, हम भी औरों से बेहतर है। लड़ने की क्षमता हम में है, हम भी औरों से बेहतर हैं। रख विश्वास अडिग हम खुद पर, राहों पर बढ़ते जाएंगे। मत सोच तू ये है घनघोर अंधेरा, तुझको यूं ही झुकाएगा। कठिन परिश्रम ही तुझको जलता सूरज बनाएगा। मंजिल को अपने ठान ले तू, मंजिल को अपने ठान ले तू, राहों को अपने जान ले तू, तू खुद में बेहतर है सबसे। अब ये बात भी जान ले तू, अब ये बात भी जान ले तू। आओ बेटा आप लोग बोलो बोलो आ जाओ आओ साइम आ जाओ। नहीं खत्म, कौन आ रहा? हाँ प्रतीक्षा आ जाओ आ जाओ आ जाओ आओ। साक्षी प्रतीक्षा आओ। क्या देखो मुझे पता है, दो तीन बच्चे बहुत बोलते हैं क्लास में। एक ये बहुत बोलती है अपर्णा, दूसरा है अमीना बहुत बोलती है,
तीसरा वो कविता बहुत बोलती है और अब आवाज नहीं निकल रही है। आओ साक्षी। अच्छा साक्षी भी साक्षी भी बोलती है। आ जाओ जो बोलते ही नहीं है। अच्छा देखो इसकी बातों में कितना अब मतलब विरोधाभास है, बोल कहीं बोल रही कि हम बोलते ही नहीं है। ये तो बोलते ही नहीं है तो फिर बोल कैसे रहे हो। आ जाओ नहीं चलो आइए सर खत्म चलो फिर एंड किया जाए। आप प्रतीक्षा हो आ जाओ शायरी सुना दो। शायरी एक मैं भी तैयार करके आऊ, मैं सुनाऊंगा लास्ट में। एक मैं भी तैयार करके आऊ। आ जल्दी आओ अभी लास्ट में सुनाऊंगा। इसको चाय पीना है, जाके लेके पी लो। चाय की रिफिल सर्विस मौजूद है, आप लोग ले सकते हैं। चाहिए हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आ जाओ बेटा कोई बात इसको पकड़ो। चलो पहले तो हम टीचर का धन्यवाद करते क्योंकि जिस स्टैंडर्ड से हम आए थे मतलब हमें लगता ही नहीं था कि हम मतलब शौक एक था कि हम नीट का मतलब पेपर देंगे, मतलब हमें शौक था लेकिन यहाँ आके लगा कि हम अगर एक दो साल अगर यहाँ मेहनत करेंगे तो निकाल लेंगे। वैसे सर सीपी सर भी तो बहुत अच्छा केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, आप दोनों की तो कोई बात ही नहीं, लेकिन सीपी सर से थोड़ा सा निवेदन है कि थोड़ा सा अच्छा करें बस। थोड़ा सोचू फिर एक बात लिखूं, थोड़ा सोचू फिर एक बात लिखूं, जज्बात लिखूं या हालात लिखूं, तेरे इक्स को अपने साथ लिखूं, तेरे इक्स को अपने साथ लिखूं या तेरे हाथों में अपना हाथ लिखूं, तुझे देखूं फिर तेरी बात लिखूं, तुझे देखूं फिर तेरी बात लिखूं, तारीफ लिखूं या फरियाद लिखूं, तेरे पीछे खुद को आबाद लिखूं, तेरे पीछे खुद को आबाद लिखूं, तनहाई में खुद को बर्बाद लिखूं, तुझे दिन और खुद को रात लिखूं, तुझे दिन और खुद को रात लिखूं, बता आज कौन सी बात लिखूं। हाँ ये तो सही है सर। मैं जीवन लिखूं तो तुम अपना साथ समझना, मैं जीवन लिखूं तो तुम अपना साथ समझना, मैं सुकून लिखूं तो तुम अपने हाथों में मेरा हाथ समझना, मैं रात लिखूं तो तुम ही हो मेरे हर ख्वाब समझना, मैं मोहब्बत लिखूं तो मेरे दिल पर अपना राज समझना। चलो बातें नहीं बच्चों। चलो चलो बातें नहीं बच्चों। तो प्रतीक्षा ने कुछ लिखने को बताया है तो उसको तो लिखिए, लेकिन पहले एनसीईआरटी लिखिए, उसके बाद वक्त मिले तो उसे भी लिखिए। ठीक है आ जाओ। और कौन बोलेगा? हिरन आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अच्छा सुन लो सुन लो, टीचरों की बुराई भी कर सकते हो। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बुराई करने का मौका कम ही मिलता है। चलो हाँ अच्छा टीचर में एड ऑन है विष्णु सर और काजल मैम, इनकी भी बुराई कर सकते हो। नहीं
देखो हम लोग की पढ़ाई नहीं, हम लोग बेकार हैं। अच्छा अच्छा आप लोग भी अच्छे हैं। चलो आप लोगों को कुछ बोलना है विष्णु सर, आपको मैम को कुछ बोलना है? नहीं चलो शर्मा जाओ, आओ बेटा शर्माओ नहीं, बातें नहीं बच्चों, बातें नहीं बिल्कुल। अरे देखो पर्सनालिटी इससे ओपन भी होती है, आपको मंच पे खड़े होकर बोलने से बहुत सारा विकास होता है ना, बोलने जब चार लोगों सामने आप बोलते हैं तो आपकी पर्सनालिटी का बहुत एक ऐसा पार्ट ओपन होता है जो आप खुद नहीं जानते हैं, आपके अंदर क्या क्षमता है, आपकी नेतृत्व क्षमता, लीडरशिप क्वालिटी, ये सारी चीजें डेवलप होती है मंच पे जाके। अगर आप मंच पे नहीं आओगे तो फिर वो चीजें डेवलप नहीं हो पाएंगी। और आजकल सिर्फ डिग्री का मतलब नहीं है, देखो बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों ने, पहले क्या होता था IIT के टैग लग जाता था, लोगों को नौकरियां मिल जाती थी करोड़ों डॉलर की और बहुत पैक। आजकल IIT की हालत भी खराब है, अच्छे अच्छे कॉलेजेस की हालत खराब है, स्किल बेस्ड पूरा वर्ल्ड जो है स्किल बेस्ड हो गया है। गूगल कहता है आपके पास डिग्री है नहीं है, आपके पास स्किल, आइए हमारे यहाँ। एक गूगल समर ऑफ कोड होता है, आप लोग तो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के नहीं है लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, इसे नॉर्मल गूगल समर ऑफ कोड है, आपके आप आठवीं पास हो, आप उस कोड को सॉल्व करिए, आप नौकरी लीजिए। आप लोग देखते होंगे ना पेपर में निकलता है कि IIT दिल्ली का प्लेसमेंट गया 2 करोड़ रुपए ना 35 लाख रुपए, ये प्लेसमेंट जाते हैं, गूगल ने दिया, फेसबुक में ऑफर दिया, फेसबुक में बग ढूंढिया, बग जानते हैं ना प्रॉब्लम जो होती है उसमें कुछ मिस्टेक है उसको सर्च करिए। सर्च करने के लिए कोई डिग्री चाहिए क्या? IIT की डिग्री चाहिए? नहीं, नॉलेज चाहिए, स्किल चाहिए, आपको आना चाहिए, HTML आना चाहिए, SQL आना चाहिए, HTML आना चाहिए, बहुत सारी जो जिस लैंग्वेज पे वो प्लेटफॉर्म बने वो चीजें आनी चाहिए, आप उसमें ढूंढिए प्रॉब्लम और नौकरी करिए बड़ी बड़ी जगह। तो आजकल डिग्री की वैल्यू कम हो गई, स्किल की वैल्यू ज्यादा हो गई, और स्किल डेवलपमेंट में ये सारी चीजें हैं। अगर आपकी पर्सनैलिटी ओपन नहीं है तो आप स्किल नहीं डेवलप कर पाओगे। स्किल डेवलपमेंट करने के लिए पर्सनैलिटी ओपन होना बहुत जरूरी है। ओपन पर्सनैलिटी का मतलब है You are adaptive to everything. You are learning from everywhere. You are learning from the nature. जैसे मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ, फिजिक्स तो नेचर की ही स्टडी है। अगर आप नेचर को ऑब्जर्व कर पा रहे हो, देखो ऋषभ पंत के साथ क्या हुआ, पलट गए। हो सकता है सर्कुलर टर्न ऑफ वेलोसिटी थोड़ी कम करनी हो, पढ़ाया ना आपको मैंने, सर्कुलर टर्न पे वेलोसिटी क्या करनी है, थोड़ी सी कम करनी है। एंगल बढ़ाया था, एंगल क्या करना है, थोड़ा सा देख के चलाना है ना, सर्कुलर एंगल है। तो पढ़ाई आपने कर ली, उस चीजों का आपने अच्छा सा यूज नहीं किया तो फिर क्या है, आपको जगह जगह पे प्रॉब्लम आएगी। पैसा भी आपने खा लिया, मशीन भी आपने खरीद ली और आप सर्कुलर टर्न पे वेलोसिटी का नहीं किया तो क्या होगा, अल्टीमेटली एक्सीडेंट हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी। तो सारी चीजें हैं, ऑब्जर्व करना सीखिए, वो आप तभी कर सकते हो जब आपकी पर्सनैलिटी ओपन हो। अब आप लोगों को कुछ नहीं करना है तो मैं भी कुछ नहीं कहूंगा, एक मैं शायरी सुना देता हूँ फिर खत्म करते हैं, ठीक है? चलो एक मैं नोट करके लाया था, मैं सुना देता हूँ। सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक, सुन रखा है तुम लोगों ने लेकिन फिर भी सुन लो। सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक जिन्हें छत तक जाना है, सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक जिन्हें छत तक जाना है, मेरी मंजिल तो वो आसमां है, रास्ता मुझे खुद बनाना है। आप सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और नया साल है, अच्छे से पढ़ाई करिए और ज्यादा से ज्यादा बच्चे सेलेक्ट हो, सिलेक्शन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप अपने आप को इम्प्रूव करिए, डेली अपने आप को इम्प्रूव करिए, और वो दिन आ जाएगा जिस दिन आप सेलेक्ट होंगे। आप हर दिन चेहरा देखिए और आपको चेहरे में दिखाई दे कि मेरे अंदर कुछ इम्प्रूवमेंट है, कुछ मैंने नया सीखा है। अगर आप इस प्रोसेस पे आगे बढ़ रहे हैं तो एक दिन आ जाएगा जिस दिन सिलेक्शन हो जाएगा, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। इतना दिन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, चीजें हम लोगों ने खत्म की, काफी सिलेबस खत्म कर लिया, थोड़ा बहुत बचा भी है उसको भी कर लेंगे। धीरे धीरे लोड नहीं रखना है, माइंड के ऊपर लोड नहीं रखना, पढ़ते जाना है, डेली डेली इंप्रूव करते जाना, एक दिन वो दिन आ जाएगा जहाँ दिन सिलेक्शन हो जाएगा, कोई बड़ी चीज नहीं है। जब हो जाएगा तो चीजें हल्की लगने लगेंगी, लगा ये कहे तो वो छोटी चीज भी हो गई, जब तक नहीं होता तभी तक टफ लगता है। जिस दिन हो जाएगा कुछ नहीं लगेगा, आप अपने जूनियर्स को गाइड करोगे, इसमें क्या था, 7-8 महीना पढ़ा, जो सर पढ़ा रहे तो पढ़ा, सवाल सॉल्व किया, अभी जो सॉल्व पढ़ रहे हैं, जैसे आज मैंने मान लिया वेव स्टार्ट किया, SHM स्टार्ट किया, हो सकता था कंफ्यूजन था आपके मन में, पीरियोडिक क्या है, ये क्या चीजें थी ना, पढ़ा दिया समझ में आ गए, उसी तरह क्या है, धीरे धीरे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। उतना ही तो है,
को ऐसे झुआ थोड़ो ना है कि बहुत बड़ी चीजें हैं, वही सारी चीजें तो हैं, पढ़ लो एक बार खत्म। लोड नहीं रखना, जितना माइंड अपना फ्री रखोगे उतना ज्यादा आपका चांसेस आपका बढ़ता चला जाएगा। तो आज के दिन एंजॉय करो, रीस्टार्ट करो, फोन भी हैंग होता है तो क्या करते हैं हम लोग, रीस्टार्ट करते हैं ना। तो आज का दिन रीस्टार्ट करिए, मत पढ़िए, एंजॉय करिए, कल का दिन दोबारा हम लोग रीस्टार्ट होके आएंगे। चलिए, हैप्पी न्यू ईयर।